आज बहुत दिन के बाद मैंने केक बनाया है और फ्लेवर बहुत ही सिंपल है, तो आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाएंगे और इसे हम बिना अवन बनाएंगे, तो ये सबके लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। और अगर आपको इसे अवन में बनाना हो तो 170 प्रीहीटेड अवन में आप 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर सकते हो। तो केक बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ओडी इको बेक नॉनस्टिक लाइनर्स लिए हैं और ये हेजल फ्री और कन्वीनियंट है और ये इको फ्रेंडली है और ग्रीस प्रूफ है और ये लाइनर्स हमें सभी साइज में मिलते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप भी इस तरह के लाइनर्स लेना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहे तो आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच का लाइनर लिया है जिसे मैं 7 इंच के टिन में अरेंज कर दूंगी। तो मैंने यहाँ 7 इंच का टोल टिन लिया है और साइड में आप चाहो तो इस तरह से तेल स्प्रेड कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर टिन को रेडी कर लिया है। अब हम केक बैटर बनाने की शुरुआत करेंगे। तो केक बैटर बनाने के लिए हम छलनी में 1 कप मैदा, 3/4 कप यानी कि 1/4 कप पीसी हुई चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे और इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब उसी के साथ 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस और 1 कप दूध ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। तो जब भी हम केक बनाएं सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर वाली होनी चाहिए और मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। और मिलाते वक्त एक बात का ध्यान रखना होगा कि केक बैटर में एक भी लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए, केक बैटर स्मूद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केक बैटर रेडी है, तो इसे हम इको बेक पेपर लगाए हुए टिन में निकाल लेंगे और 3 से 4 बार टैप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। तो कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, इसमें हम टिन रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे। अब इसे हम 5 मिनट तेज़ आंच और 40 मिनट धीमी आंच पर बेक करेंगे, तो टोटल हमें 45 मिनट के लिए बेक करना होगा। 45 मिनट के बाद हम स्टिक डालकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टिक साफ निकली है, मतलब हमारा केक बेक हो गया है। अब हम ढक्कन लगा देंगे और गैस बंद कर देंगे और केक को हम 5 मिनट कढ़ाई में रहने देंगे ताकि जो भी मॉइस्चर रह गया होगा वो सब निकल जाए। और 5 मिनट के बाद हम केक को कढ़ाई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसे साइड से अलग कर लेंगे और टिन को उल्टा करके केक निकाल लेंगे। देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। अभी ये केक थोड़ा सा गर्म है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम इसका फ्रोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम केक को 3 भाग में कट करेंगे। तो यहाँ से जो आपको अलग पार्ट दिख रहा है, एक यहाँ से कट करेंगे और एक यहाँ से कट करेंगे, तो 3 लेयर इसमें से अच्छे से निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बना है। अब फ्रोस्टिंग करने के लिए हम व्हिप क्रीम लेंगे। अब क्रीम को हम बीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्रीम को बीट कर लिया है, तो इस तरह से हमें क्रीम को एकदम स्टिफ रहे तब तक बीट करना होगा और बीट करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अब फ्रोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिडल वाला केक स्पंज लिया है और इसे हम पानी से अच्छे से सोक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो शुगर सिरप भी ले सकते हो। तो केक स्पंज को हमने अच्छे से सोक कर लिया है, अब इस पर हम व्हिप क्रीम स्प्रेड करेंगे। तो आज केक मैंने घर के लिए बनाया है, तो व्हिप क्रीम का यूज़ थोड़ा सा कम करूँगी। ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इसमें हम थोड़ी सी डार्क चॉकलेट कद्दूकस करेंगे। चॉकलेट आपको जितना पसंद है उसी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब सबसे टॉप वाला जो लेयर निकला था इसे हम बीच में रखेंगे और इसे भी हम पानी से अच्छे से सोक करेंगे। और व्हिप क्रीम किस तरह से बीट करनी चाहिए, कौन सी व्हिप क्रीम लेनी चाहिए, उसी का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हो। अब फिर से जिस तरह से हमने आगे किया था वैसे ही व्हिप क्रीम स्प्रेड करेंगे।
तो आज ये केक मैंने हस्बैंड के लिए बनाई है, क्योंकि आज इनका बर्थडे है और इनको ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ही पसंद है। और फिर से इस पर डार्क चॉकलेट कद्दूकस करेंगे। और सबसे जो बॉटम वाला लेयर है, इसे हम सबसे लास्ट में रखेंगे और उल्टा करके रखेंगे, ताकि जब हम फाइनल फिनिशिंग करें तब केक का जो फिनिशिंग है वो अच्छे से कर सकें। और इसे भी हम पानी से अच्छे से सोक करेंगे। और केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो केक बहुत ही ड्राई बनेगा और क्रीम और स्पॉन्ज अलग भी हो जाएंगे। तो एक स्पॉन्ज में मैं यहाँ पर 7 से 8 चम्मच जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अब केक को हम साइड से कवर कर लेंगे। और हमने जो टॉप लेयर मिडल में रखा है वो थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, तो इसे हम सीजर से कट कर लेंगे, क्योंकि अगर इसे हम कट नहीं करेंगे तो जितना भी क्रीम लगाएंगे फिर भी ये दिखेगा ही। फिर इसे हम निकाल लेंगे। अब केक को हम थोड़ी सी क्रीम के साथ क्रम कोट करेंगे, और क्रम कोट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि केक में से जो भी क्रम निकले हैं वो क्रीम के साथ सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमने केक को क्रम कोटिंग कर लिया है, अब इसे हम केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेंगे। अब केक को हमें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रखना होगा, ताकि केक अच्छे से सेट हो जाए। तो केक को मैंने फ्रीज से निकाल लिया है, अब हम इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पूरी केक को क्रीम से कवर करेंगे। तो आज जो मैंने केक बनाया है वो 1 kg का केक बनेगा, और इसके लिए हमें 1.5 कप जितना व्हीप क्रीम लेना होगा। तो इसमें से फ्रोस्टिंग भी हो जाएगा और फाइनल फिनिशिंग भी हो जाएगा। अब जितना हो सके उतना हम फिनिशिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने भी कोई क्लासेस नहीं किए हैं, तो मेरे लिए भी फिनिशिंग करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और जहाँ पर लगे कि क्रीम कम है तो वहाँ पर हम फिर से क्रीम स्प्रेड करेंगे। फिनिशिंग करने के लिए मैंने इस तरह का प्लास्टिक का स्क्रेपर लिया है, और ये सब मटेरियल आपको बेकिंग मटेरियल मिलता हो ऐसी कोई भी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्क्रेपर घुमा देंगे तो केक अच्छा सा स्मूथ हो जाएगा। और स्क्रेपर में एक साइड पर इस तरह से जिगजैग दिया गया है, तो इस तरह से हम डिजाइन भी कर सकते हैं, तो केक में अच्छी सी लाइन बन जाएगी और हमें ज़्यादा फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर का जो टॉप है इसे हम डार्क चॉकलेट से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने केक को फिनिशिंग कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर नूर का N1 नोज़ल लिया है, तो इसे हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे, और पाइपिंग बैग को हम आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे और नोजल को अच्छे से फिट कर लेंगे। अब इसमें हम व्हीप क्रीम भर देंगे और आगे से थोड़ा सा क्रीम निकाल लेंगे। अब इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे, तो इस तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हो, बस हमें नोजल को सिर्फ राउंड घुमाना है और हल्का सा प्रेस करते जाना है। और साइड पे जो क्रीम लगी है इसे हम साफ कर लेंगे, और नीचे भी हम इस तरह से बॉर्डर बना लेंगे, तो केक दिखने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा केक रेडी है। यहाँ पर भी हम कद्दूकस की हुई डार्क चॉकलेट डाल देंगे, और फाइनली इसे ड्राई चेरी से गार्निश करेंगे। तो आप चाहे तो चेरी के टुकड़े बीच में भी डाल सकते हो, जब हमने फ्रोस्टिंग किया था, लेकिन हमारे यहाँ ड्राई चेरी किसी को पसंद नहीं है, तो
तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारा केक रेडी है। तो यहाँ पर हमारा बेकरी से भी अच्छा और बनाने में आसान ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। आपको ये केक कैसा लगा वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ और ना ही मैं केक का ऑर्डर्स लेती हूँ और ना ही मैंने कोई क्लासेस किए हैं, और आज बहुत दिन के बाद मैंने केक बनाया है। तो आपकी कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। और जिनके लिए ये केक बनाया है उनको भी एक बार पूछ लेते हैं कि उनको ये केक कैसा लगा। केक इज वेरी नाइस, स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, सो प्लीज आप सब लोग ट्राई करिए। नहीं मम्मी पण कैसे केवी भाई ने मस्त बनी छे केक।